हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। हम बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा। जी हाँ, ये बर्फ़ी देखिए कितनी अच्छी जमी है। इसे आप कोई भी व्रत में बना सकते हैं, बिल्कुल सही मेजरमेंट है टाइम के साथ। तो रेसिपी एंड तक देखिएगा। और जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हलवा बनाने के लिए हमें 1 कप सिंघाड़े का आटा चाहिए, इजीली अवेलेबल है। 1/4 कप घी, 1 कप चीनी, सेम कप यूज़ करना है। अब जिस कप से आटा लेंगे उसी कप से चीनी, और 2 कप गरम पानी। यहाँ पे 2 कप गरम पानी यूज़ करेंगे। और घी अगर बाद में चाहे तो आप 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट है कि पहले आप सिंघाड़े के आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे सिर्फ 5 मिनट, और घी के साथ हमको 10 मिनट भूनना है। तो टोटल 15 मिनट। ये देखिए यहाँ धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस से करने से आपका हलवा कभी ले ही नहीं बनेगा और ये परफेक्ट बनेगा। तो बस 5 मिनट जब हो जाएगा, हम पानी भी गर्म कर रहे हैं हलवे में डालने के लिए। उसके बाद और सारा काम आपको धीमे आंच में ही करना है। फिर हम घी डालेंगे यहाँ पर, साइड में मैंने कर दिया ताकि थोड़ा मेल्ट भी हो जाए क्योंकि ये जमा हुआ है। और बस घी में 10 मिनट भूनना है। 15 मिनट में आपका हलवा बिल्कुल रेडी है, और धीमे आंच में ही करना है। और हटिएगा नहीं इसको छोड़ के, मतलब दूसरा काम करने मत लग जाइएगा तो जल जाएगा और फिर पूरा स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो घी बीच बीच में रोस्ट करना है। घी के बाद डालते ही 10 मिनट, बस घड़ी देख के। ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं बस 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। ये जो 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून घी लिया है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप के हिसाब से। और जो आपका कप है वो मतलब एक ही कप होना चाहिए, उससे सारा काम करना है। फिर मैं यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ। पहले 1 कप पानी डालेंगे, वो जब पूरा सारा लंप ख़त्म हो जाएगा देन हम 2 कप डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है बस। और फिर इसको छोड़ दीजिए, ये मतलब 5 मिनट मेरे ख्याल से पैन छोड़ने लगे। ये देखिए बस ये 2 कप पानी यूज़ कर लिया, उसके बाद अच्छे से मिक्स किया। 5 मिनट में ये पैन छोड़ने लगता है। देखिए ये हो गया है, थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, बस हमारा हलवा रेडी। मैं तो यही भोग भी लगा रही हूँ लड्डू गोपाल को, और उसके बाद हम कोई प्लेट में ले लेंगे। ग्रीस वीस करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि परफेक्ट घी है, आराम से सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए आप जैसे भी खाते हैं, हम तो ये बर्फ़ी ही जमा लेते हैं। तो हमारा तो फलाहार रेडी हो गया है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अब तो बहुत सारे तीज त्यौहार आ रहे हैं, और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।